दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूँ सिर्फ दिखाए कोई और से दिखाता है, पुनः गांव की ओर। आज मैं हूँ बेताल घाट में और ये जो पुल है दोस्तों, बिल्कुल क्या बताऊँ आपको, भाई लोग बता रहे हैं कि ये पुल जब बन रहा था तो यहाँ से जो है 1.5 फुट उधर खिसक गया। और ऐसा क्यों होगा बल, तो इसलिए कि सामने आप देखिए मंदिर है बाबा बेतालेश्वर महादेव जी का। तो कुछ ना कुछ आप जैसे जानते हैं उत्तराखंड में क्या क्या होता है, और जिस प्रकार से उत्तराखंड में आज विकास के नाम पे चाहे सुरंग खोदना हो चाहे पुल बनाना हो, ये जरूरत भी है, लेकिन जो भगवान को नहीं मानता तो ऐसा पर्दे देता है, कहता बेटा देख ले ऐसा हवा का झोंका दूंगा कि तू अपना आप खिसक जाएगा। 1.5 फुट बल खिसका था यहाँ से, तो हम कहते ना बल की हैरी है, बल भले हैरी ऐसे बोलते ना, पर या तो गजब हैरी भैया कि पुल, ये पुल है जो है। हाँ मैं इधर के हैरी भाई, प्रणाम। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। थोड़ा सा मैं चाह रहा थोड़ा कुमाऊं नहीं बोलता है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं मनोज जोशी जी, मेरा नाम मनोज जोशी से जी, मैं बेताल घाट और रोनी से। यहाँ पर लगवा वो मंदिर से बहुत प्राचीन मंदिर है, इसकी ये मान्यता है जो से वेद पुराणों वाले लिखी से, और जैसा हमने अपने जो हमारे बुजुर्ग थे उनका मुख बेताल जो हमारा मठान जिसे कहते हैं लखवा बू जो यहाँ से वो बच्चों के साथ खेल किया करते थे उस जमाने में। हिंदी बोल। हाँ बिल्कुल, उस जमाने में खेल किया करते थे, वो एक बच्चे को हर दिन गैप कर लेते थे अपने उससे। अच्छा, तो बेताल की कहानी मतलब लगभग लगभग वही मिलती जुलती है, बिल्कुल एक ही कहानी है। अच्छा। तो यहाँ के जो पटियार लोग हैं ग्राम सभा चापड़ के, वो लोगों ने इसको साधा, इसकी साधना करी, और इसमें कुबेर देवता और सहम देवता सभी लोग वही उस समय आते थे, यहाँ पर मौजूद थे, उस समय रहा होगा। तो सभी लोगों के हिसाब से इन्होंने इस देवता इस जो मशाण को यहाँ पर साध दिया। साधने के बाद और उस मशाण ने इनसे ये कहा कि आज से मैं आपकी बात को नहीं डालूंगा, और जो आप कहोगे वो चीज़ हम सब मान जाएंगे। तो ये एक उसमें पूजा अर्चना में बकरा हो गया, सुअर हो गया, और अष्टबली जो होती दी जाती है वो लगभग इनको दी जाती है, और उसके बाद ये खुश हो जाते हैं। और हमारा जो इतिहास यहाँ पर गवाह है कि कोई आदमी यदि रात को यहाँ अकेले आता है किसी काम से, वो रास्ता भूल जाता है अपना कहीं जाने से, तो ये कभी कुत्ते के केस में और या उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है उसके रूप में आके उसके पहुँचाते हैं। हमने भी देखा है, हमारे साथ हुआ भी है एक आध दोबारे, हमने भी इसका गवाह इस बात का, इतना मतलब बढ़िया देवता यहाँ का जो स्थानीय देवता है, पूरे क्षेत्रपाली कहा जाए इनको, ओखलटा से लेकर जहाँ तक इसकी छत्रछाया हमारे ऊपर रहती है, और यहाँ बड़ी जो मंदिर में जो होता है तो बड़ी लोग उस मनोश्रद्धा से यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यही मान्यता है। और इसके दोनों और मंदिर, एक तो बाबा बेतालेश्वर महादेव का, ये बेताल देखिए आप वहाँ दिखा दें, ये बेतालेश्वर महादेव मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर एक इस तरह दुर्गापुरी धाम है। अच्छा, दुर्गापुरी धाम है। हाँ, यहाँ रविशंकर महाराज जी हैं और वो बैठते हैं, वो भी बड़े संत हैं हमारे, बड़ी कृपा है क्षेत्र में उनकी, और बहुत अच्छा मंदिर है दुर्गापुरी। चलिए, एक बात मैं देखा था भाई, वहाँ पे ना कुछ लोग कुछ डाल रहे खिचड़ी टाइप का, खिचड़ी यहाँ पर दी जाती है इस मंदिर की, यहाँ पर सो रहे लास्ट वाला जो लोग मंदिर में जा सकते हैं यहाँ पर भी खिचड़ी दे सकते हैं। अच्छा, और बाकी क्षेत्र बहुत लंबा थोड़ा क्षेत्र हमारा, बड़ी कृपा घर से मिल जाती है मतलब ना। हाँ हाँ जी, तो चलिए आपने जानकारी बहुत धन्यवाद जोशी आपका। तो दोस्तों कुल मिलाकर आप देखिए यहाँ पर जो है मान्यता ये है कि जब आप इस पुल के ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको खिचड़ी चढ़ानी पड़ती है, और अगर आप घर से नहीं ला रखे हो कोई बात नहीं, तो यहाँ दुकान में मिल जाती है। पर इन बातों को आप जो है अनदेखा ना करें, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर देवभूमि के अंदर जो है जितनी भी बातें होती हैं, अभी आपने देखा हो सिलगेरा टनल में जब सारे पेच फंस गए, तो तब जाके जब महादेव जी ने दर्शन दिए तो तब दिमाग चला, रेड माइनिंग हुई है, क्या 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 नहीं हुआ सब कुछ दिखाया आपको। तो इसी प्रकार से हमारे कुमाऊँ हो टेरी हो पौड़ी पूरे देव उत्तराखंड के अंदर जो है भरा पड़ा है दोस्तों इतिहास इन बातों से लेके। तो चलिए आपको अभी और भी कुछ हम आपको और भी कुछ दिखाने वाले हैं, बहुत कुछ बाकी है अभी यहाँ पर। तो चलिए जय देव उत्तराखंड। और ये देखिए पुल में बड़ी कंपन हो रही है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है पुल, और आज ऐसा भी लग रहा है कि आज भगवान की कृपा से बारिश होने वाली है। तो चलिए देखते रहे आप, देखते रहो पुनः गाँव की ओर, जानते रहो हम भी गाँव गाँव की ओर। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।